फैक्ट नंबर एक। गाइस एक बार सचिन तेंदुलकर ने एक मैच में 3 बॉल में 24 रन ठोक दिए थे और वो भी बिना नो बॉल और व्हाइट बॉल के। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई 3 बॉल में 24 रन बना दे? चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल साल 2002 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक मैच खेला गया और एक स्पेशल मैच था जिसका नाम था क्रिकेट मैक्स इंटरनेशनल। इसे 10-10 ओवर की 2 पारियों में खेला गया था और ग्राउंड पर 11 की जगह 12 प्लेयर खेल रहे थे। इस मैच की खास बात यह थी कि इस मैच में बॉलर के ठीक पीछे की स्क्रीन के सामने वाले एरिया को मैक्स जोन का नाम दिया गया था, जिसमें अगर किसी ने चौका मारा तो 4 की जगह पर 8 रन मिलते और छक्का मारा तो 6 रन की जगह 12 रन मिलते। और इसी मैच में सचिन तेंदुलकर ने मैक्स जोन में 3 गेंद मारी थी जिसमें से 1 छक्का 1 चौका और 2 रन थे, लेकिन मैक्स जोन के नियम के अनुसार उन्हें डबल रन यानी कि 12 + 8 + 4 पूरे 24 रन मिले थे और कुछ इस प्रकार सचिन तेंदुलकर ने 3 बॉल पे 24 रन बनाए। फैक्ट नंबर 2। इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और इसी बीच सोशल मीडिया पर MS धोनी का एक ऐसा हीरोइक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि धोनी से बड़ा दिलवाला कोई नहीं हो सकता। अब ऐसा क्या है इस वीडियो में, चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइस दरअसल साल 2006 में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी और इसी मैच के 151वें ओवर में जब धोनी ने एक शॉट मारा तो वेस्टइंडीज के डेरेन गंगा ने उनका कैच पकड़ लिया था, लेकिन कैमरे में कैच ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और इस वजह से अंपायर ने उसे नोट आउट दे दिया। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने अंपायर को समझाया लेकिन अंपायर माना ही नहीं, जिसके बाद वेस्टइंडीज टीम के कैप्टन ब्रायन लारा MS धोनी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम की गारंटी लेता हूं, इसलिए आप इस विकेट को मानकर प्लीज पवेलियन लौट जाएं। ब्रायन लारा की इस गुहार को सुनकर धोनी को लगा कि क्रिकेट का इतना बड़ा खिलाड़ी ब्रायन लारा झूठ तो नहीं बोल सकता और वो बिना कुछ कहे पवेलियन की ओर चल पड़े।